अब बात कर लेते हैं भारत में कौन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह वायुसेना प्रमुख आर केस बदोरिया नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि हैं नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष की बात करें तो अमिताभ कांत हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? परसून जोशी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं एस एस देसवाल सी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है विपिन रावत एक बात देख लेना तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं ये होता है राष्ट्रपति ठीक है कौन रामनाथ कोविंद इस समय ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी बी एस एफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी एनफेंटिनो आईसीसी के सीईओ मनु सहानी आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना सीधे एग्जाम में आते हैं पूछ लेगा बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा सौरव गांगुली इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा कोशिश मेरी यही है कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके आपकी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण भारत के महान्यायवादी के के वेणुगोपाल सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी पुरुष क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है रवि शास्त्री राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं एस अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इसमें तो मुख्य न्यायाधीश कौन हैं ये है एनवी रमना देश के पहले लोकपाल कौन हैं पिनाकी चंद्र घोष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला और फ्रेंड हमने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं इनकी पी डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप सही तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं मोदी के नए मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री तो पता लग गया आपको कि नरेंद्र मोदी हैं और इनके पास कौन से मंत्रालय है जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग कार्मिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके अलावा वो सभी विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए अब जो नया मंत्री ना, तीस तो हैं कैबिनेट मंत्री और दो हैं राज्य मंत्री, और है जो इनमें से इंपोर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुल कितने मंत्री हैं ये स्वतंत्र हैं मोदी को भी मिला दे तो हो जाएंगे अठंतर तो सबसे पहले बात कर लेते कैबिनेट मंत्रियों की किरण रिजिजू जो है कानून और न्याय मंत्री विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री ये कौन है भूपेंद्र यादव मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है पुरुषोत्तम रूपाला संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है जी किशन रेड्डी सूचना और प्रसारण मंत्री और इसके अलावा युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है अनुराग ठाकुर नारायण तातु रानी ये कौन है आयुष मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ये हैं नागरिक उड्डयन मंत्री वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं अश्वनी वैसव ये रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसारण मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं। बात करें राजनाथ सिंह की तो ये है रक्षा मंत्री अमित शाह की बात करें तो ये गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी ये है सड़क और राजमार्ग मंत्री निर्मला सीतारमन ये वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर तो ये क्या है कृषि और किसान मंत्री अर्जुन मुंडा ये है जनजातीय मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्री बात करें पीयूष गोयल की तो ये क्या है वाणिज्य और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामलों के मंत्री खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इसके अलावा कपड़ा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बात करें प्रहलाद जोशी की तो ये है संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री गिरिराज सिंह ये क्या हैं ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की तो ये हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ये क्या हैं भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये हैं भारत के विदेश मंत्री मनसुख मंडाविया ये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री तो ये तो बात होगी कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की तो राव इंद्रजीत ये क्या है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री और इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री ये इंपॉर्टेंट था राव इंद्रजीत हरियाणा से हैं इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और इसके अलावा मैं इन सभी की पीडीएफ डीफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सब करवा दिया है फिर भी आप इनको एक बार पढ़ लेना मोस्टली क्वेश्चन कैबिनेट मंत्री से ही आ जाते हैं हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एच का जो भी एग्जाम है ना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो एस SI का हो ग्राम सचिव का पटवारी का कैनाल पटवारी का पीजीटी सुपरवाइजर यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं कंप्यूटर के हैं करीब पंद्रह सौ क्वेश्चन जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है सभी मिल जाएंगे इसमें ऑप्शन टाइप भी वन लाइनर भी और डिटेल में भी और उसके बाद है कृषि से छ सौ क्वेश्चन और कल को पशुपालन की वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं करीब पाँच सौ क्वेश्चन पशुपालन के भी करा दूंगा और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जी करवा रखी है जिसमें है पैंसठ सौ क्वेश्चन और फिर है पिछले बीस महीने का हरियाणा करंट अफेयर और उसके बाद है बारह सौ जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें जोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री सब कुछ है हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना उसमें दस के दस क्वेश्चन सिर्फ इस पी से आए हुए थे इंग्लिश के नोट्स हैं और दो से लेकर अब तक जितने भी एच के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है तो फ्रेंड ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं इन सभी की पी डी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड पिछले छ महीने सात महीने यहाँ तक कि पिछले 20 महीने का भी हरियाणा करंट अफेयर मैंने बना रखा है और उसके पी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाए तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं यानी 2020 और 21 में अब तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उस वीडियो में मैंने करा दिए हैं और इसके साथ साथ हमारी एक पैंसठ प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी आई हुई है उसकी पी डी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं कहने का मतलब ये है अगर आप एच एस यानी हरियाणा के एग्जाम की, की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर अस्सी पाँच सौ नब्बे के अस्सी पाँच सौ आठ पर मैसेज कर सकते हैं तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं